का शीर्षक गीता का सार। इस अध्याय में भगवान गीता का सार बताए हैं अर्जुन को। राग देश विमर्मतैतु विषयानेन्द्रियै चरन् आत्मवश्य विशेषात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश विमुक्तैतु विषयानेन्द्रियै चरन् आत्मवश्य विशेषात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश विमुक्तैतु विषयानेन्द्रियै चरन् आत्मवश्य विशेषात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश विमुक्तैतु विषयानेन्द्रियै चरन् आत्मवश्य विशेषात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश विमुक्तैतु विषयानेन्द्रियै चरन् आत्मवश्य विशेषात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश विमुक्तैतु विषयानेन्द्रियै चरन् आत्मवश्य विशेषात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग आसक्ति द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्तय मुक्त रहने वाले से तू, लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रय इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य अपने बस में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भागवत कृपा अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अतः कर्म करना या न करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रिय में आसक्त होते हुए भी हो सकती है।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुभगान्धिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुन् वैश्वास्य श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथानिन्दं तं सजीवं सावदैतं सावधूतं पर्जन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्ताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये अर्जुन समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग द्वेष, किसी से राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से नाराज नहीं, किसी के बारे में मत्सर नहीं रखना चाहिए और अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। ये इंद्रियां कैसे बस में होती हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। हमारी इंद्रियों से ही गलती होती है जिसके कारण हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। जब तक हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हमारी इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं, हमसे नाना प्रकार के अपराध होते रहते हैं। कृष्णमय सेवा में लगने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, फिर हमारा मन भगवान की भक्ति में लगता है। हम जबरदस्ती भगवान के अर्चा विग्रह में मन लगाएं, लेकिन इंद्रियों को काबू में न रखें तो ये इंद्रियां इतनी महान बलवान होती हैं कि जिस प्रकार से नाविक के नाव को वेग हवा का खींच ले जाता है विपरीत दिशा में, नाविक चाहता है पूरब ले जाना लेकिन हवा का वेग उसे पश्चिम दिशा में मोड़ देता है, उसी प्रकार से भक्ति करने वाले साधक जीव का इंद्रियां बलपूर्वक विपरीत दिशा में खींच ले जाती हैं और वो भक्ति में विफल हो जाता है। इसलिए हम इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करना चाहिए। बलपूर्वक इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इंद्रियों का ही खेल है, अगर इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। हाथ भगवान ने दिया है अपना मंदिर मार्जन करने के लिए,
जो आंख भगवान ने हमें दिया है वो अपना दर्शन करने के लिए, पैर दिया है भगवान के मंदिर में आने के लिए, मन जो दिया है भगवान के चरणों में लगाने के लिए, लेकिन हम सभी इंद्रियों के जगह जगह पे लगा देते हैं। मन कहीं और होता है, आँख कहीं और होती है, दिल कहीं और होता है। तो इस तरह से हम भ्रांति में पड़ जाते हैं, हमारी भक्ति में बाधा हो जाता है। हम भक्ति में विफल हो जाते हैं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं, हमारी इंद्रियां ही हैं, हमारा मन बुद्धि अहंकार भगवान की भक्ति में नहीं लगने देता है। अर्जुन कहते हैं, मना चंचल है कृष्ण, हे कृष्ण ये मन जो है बड़ा चंचल है। न चाहने पर भी अनचाहे जगहों पर ले जाता है। भगवान बताते हैं अर्जुन, मन को मेरे ऊपर छोड़ दो, मनमना मन भक्तो मद्याज मा नमस्कुरु, मन को मेरे ऊपर छोड़ करके मेरे नमस्कार करो, मेरी भजन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, एक दिन मन स्थिर हो जाएगा। जिह्वा को प्रसाद खाने के लगाइए, प्रसाद के सिवा हमें कुछ भी मिले उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने घर में प्रसाद भगवान का जो भी छोटा मोटा विग्रह हो चाहे फोटो हो, अपने अल्टर में जो कुछ आपके रसोई में पकता है वो अर्पण कीजिए और प्रसाद को खाइए। प्रसाद के द्वारा भी आपका चित्त मार्जन होगा। ये जन्म जन्मांतर से जो आपके चित्त पर मैल जमा हुआ है, इस मैल को साफ करने के लिए कोई और साधन नहीं है, हरि प्रसाद और हरि कीर्तन। भगवान का प्रसाद और भगवान का कीर्तन ही हमारे मन की मैल को साफ करता है, अन्यथा और कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं अंदर डाल सकते हैं साफ करने के लिए, ब्रश नहीं डाल सकते हैं। ये नाजुक जगह है और इस नाजुक जगह पे आत्मा के साथ परमात्मा विराजते हैं। हर जीव के अंदर भगवान रहते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठते अर्जुन, हे अर्जुन हर जीव के हृदय के बगल में मेरा निवास स्थान है, मुझे और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने जन्म जन्मांतर से उस भगवान के विग्रह पर इतनी धूल जमा कर दिया है कि हमें दिखाई नहीं देता है। हर जीव का साक्षी परमात्मा है। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खाता है, एक उसका निरीक्षण करता है। आत्मा और परमात्मा हर शरीर में है, चाहे छोटा जीव हो चींटी से लेकर के हाथी तक, बड़ा से बड़ा जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं। आत्मा स्वतंत्र है फल खाने के लिए, परमात्मा उसका साक्षी है, अंदर देखता है। तो ये हम लोग गलती कर बैठते हैं, कुछ गलत पाप करते हैं तो हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है। पाप करते समय परमात्मा हमारे अंदर है,
वो साक्षी के रूप में देख रहे हैं, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। बाहरी साक्षी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं काम करते हैं। इस भौतिक दुनिया में कुछ मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसके लिए गवाह और साक्षी लगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के लिए भगवान स्वयं साक्षी हैं। चाहे पाप कर्म करो, चाहे पुण्य कर्म करो, इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित होकर के ही कार्य करना चाहिए। कृष्ण में जब मति होती है तो कृष्ण कहीं पाप करने नहीं देते हैं। कृष्ण अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, उसके चारों तरफ भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं उसकी सुरक्षा में। लेकिन जब भगवान से परे होकर के इंसान सोचता है मैं अपने बलपूर्वक सुरक्षित हूं, वो उसका अहंकार है। वो अहंकार से आच्छादित होकर के वो अपने आप पे भरोसा करता है कि मैं अपनी शक्ति से सुरक्षित हूं, अपने धन दौलत से सुरक्षित हूं। लेकिन भगवान जिसकी सुरक्षा नहीं करेंगे वो खुद नहीं कर सकता, और दुनिया का कोई भी शक्तिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा भगवान के ऊपर अधीन रहना चाहिए। भक्तगण जो है भगवान के अधीनता में काम करते हैं, भगवान के अधीन रहते हैं और अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। काम क्रोध जब हो जाता है इंसान के अंदर, तो काम की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे अग्नि में कहीं धुआं निकलता है तो इंसान आभास करता है कि इसमें अग्नि है, अग्नि दिखती नहीं है लेकिन आभास होता है कि धुआं निकल रहा तो अग्नि जरूर है। उसी प्रकार से हर जीव के अंदर काम वासना है, यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो काम वासना को जब बढ़ावा देते हैं तो उस समय काम के बस में होकर के इंसान कुछ भी काम आतुर होकर के पाप कर्म करने में लग जाता है। इसलिए हमें काम का दमन करना चाहिए। जब किसी सुंदर स्त्री को देखता है जीव तो उसे भोगने की इच्छा करता है, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो संबंध है ये जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, इसलिए जीव आसक्त हो जाता है और काम को उत्तेजना देने लगता है। जब कामातुर हो जाता है तो पथभ्रष्ट हो जाता है, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अपने अंदर ही दुश्मन काम क्रोध मद लोभ ये जो हैं ये हमारे नरक के द्वार हैं, हमें ऐसा नरक में गिराने की कोशिश करते हैं। हमें कहीं और इसका रास्ता नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही सारे रास्ते हैं। हमें स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, भगवत धाम जाना है, वो हम अपने कर्मों के द्वारा जाते हैं। और हर जीव को ज्ञान होता है कि बुरा कर्म है, अच्छा कर्म है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब काम के वशीभूत हो जाता है इंसान तो बलपूर्वक अपने आप को लगा देता है उस कार्य में और वहीं उसका पतन हो जाता है। काम की पूर्ति जब नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है,
कोई भी काम आप करना चाहते हैं अगर उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो वहां क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के बाद मति भ्रम हो जाती है, तो विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए काम को बस में करना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। आपके प्रायश्चित में जो है वो मिलेगा, लोभ करने से कुछ होगा नहीं। आप भगवान की भक्ति में लग जाइए, अपने इंद्रियों को बस में करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग में अंदर अपने नाम में ही सारी शक्ति भर दिया है। कलयुग में भगवान का अवतार नहीं है, नाम ही अवतार है। हम कलयुग की जीव के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी विशेष कृपा किया है। 500 साल पहले इस धराधाम पर आकर के चैतन्य महाप्रभु ने कलयुगी जीवों को उद्धार करने के लिए हरि नाम गोलोक धाम से लाए, बड़ी विशेष कृपा किया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य हमारी है कि हम हरि नाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या हम हरि नाम को काल्पनिक समझ रहे हैं, या हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं समझ रहे हैं, काल्पनिक समझते हैं। ये मायाबद्ध जीव जो है हमेशा काल्पनिक समझता है, भागवत गीता को काल्पनिक समझता है, भागवतम को काल्पनिक समझता है। भागवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा है, ये किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने कहा नहीं है, स्वयं भगवान की वाणी है। इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो लोग भगवान की वाणी में भागवत गीता में विश्वास नहीं करते हैं वो भ्रमित हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कुछ जरूरत नहीं थी ये प्रश्न करने की, लेकिन कलयुग के हम सब जीवों के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण सारे प्रश्न पूछे हैं, और वो प्रश्न सबका है, हमारा है, आपका, सबका है, अर्जुन का नहीं है। अर्जुन तो भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्हें क्या जरूरत थी। लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए अर्जुन ने भगवान से सारे प्रश्न किए हैं, प्रभु भक्ति कैसे होगी, कैसे कैसे क्या होगा, ये जो 700 श्लोक भागवत गीता में भगवान ने बोला है ये केवल जीव कल्याण के लिए, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, हिंदू का है या मुस्लिम का है या पारसी का ईसाई का, ये किसी जात विशेष का भागवत गीता नहीं है। भगवान किसी जात विशेष के नहीं है, किसी जात के नहीं है भगवान, तो उनका वचन जो है किसी जात के लिए नहीं है, ये पूरे जीव के कल्याण के लिए है, कोई भी पढ़ सकता है। भागवत गीता में सभी ज्ञान भरे हुए हैं और सब प्रकार के प्रश्नों के जवाब हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न हो वो आप इसमें ढूंढ सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हमें तो विश्वास नहीं होता है कि भागवत गीता छुए, जिसको हमें किताब समझते हैं। भागवत गीता ऑर्डिनरी किताब नहीं है, एक गरीब ब्राह्मण की खिस्सा आती है। एक गरीब ब्राह्मण रोज भागवत गीता पढ़ के भिक्षा मांगने जाता था, तो दो तीन दिन ऐसा अभाव हुआ कि भिक्षा नहीं मिला तो उसके बच्चे भूखे रह गए, पानी पी के सो गए। तीसरे दिन उसकी पत्नी बोल रही है, ये क्यों लेके भागवत गीता बैठते हैं आप? अरे जितना देर भागवत गीता पढ़ने जाकर के किसी के घर से कुछ मांग के लाते, बच्चे भूखे हैं। लेकिन पंडित जी को भागवत गीता में विश्वास था, भगवान की वाणी है,
और वो उसके बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी पत्नी के, वो अपना गीता का अध्ययन कर रहे थे। तो पत्नी को लगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसको इसके दिल में धंस रहा है कि नहीं, मैं हवा में बोल रही हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये बंद करो और जाओ कुछ भिक्षा पर्यटन करो। बोली मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप यहाँ व्यस्त समय क्यों कर रहे हैं, जाइए कहीं से कुछ भिक्षा मांग के लाइए। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी ये भगवान का गीता पढ़ रहे हैं, इसके बाद जाएंगे, जो कुछ नसीब में होगा मिलेगा, लेकिन ये गीता पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहे हैं आप, ये तो भगवान की बाड़ी है। तो उसने अपने बाल से क्लिप निकाल करके गीता के पेज पर ऐसा चीरा मार दिया, गुस्सा से चीरा मार दिया। तो पंडित जी को बहुत दुख लगा, लेकिन स्त्री का स्वभाव ऐसा कर दिया उसने। फिर वो उठे, कुछ घर में था ही नहीं, खाए पिए नहीं, चले भिक्षा मांगने के लिए। तो थोड़ी देर में भगवान स्वयं दुकानदार बन के कांवर में राइस दाल चावल सब्जी सब लेकर के आ गए उसके दरवाजे। तो उसका दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने सोचा कि ये फिर से आ गया ब्राह्मण क्या। तो उसने खोला तो देखा कि कोई सांवला सा लड़का है, मोटा ताजा, और इतना सामान लिया है कि पसीने से लथपथ हो गया है। तो बोला कि बालक कहाँ जा रहे हो। बोला ये पंडित जी का आर्डर था कल, मैं भूल गए, सॉरी, माफ़ करना, आप उनका सामान पहुँचाना था, कल नहीं पहुँचा पाया, इसलिए आज लेकर के आया हूँ। तो बोले अरे भैया, जिंदगी में तो कभी वो पाव भर शेर भर लाया है, इतना बड़ा कांवर तो कभी आया नहीं, और कहाँ से आप ले आए, किसी दूसरे घर का होगा, देखिए आप भूल गए होंगे। तो बोले नहीं, मैं तो यही घर में आया हूँ और ब्राह्मण देव ने इसी घर का एड्रेस दिया है, तो आपका ही सामान है, आप लीजिए। तब उसको विश्वास हो गया कि शायद वो कल भूल गए होंगे, नहीं बताए होंगे, हमारे घर का ही सामान है, सामान लेने लगा। लेकर के उसने जब रख लिया तब बड़ी खुश हो गई। तब बोली बालक कुछ खाना है, कुछ पीना है, आप बहुत थक गए होंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ खाना नहीं है। क्या इतनी दूर से लाए आप इतना सामान ढोके, तो जरूर थक गए होंगे, भूख प्यास लगा होगा, तो कोई शरबत लाएं। तो उस बालक ने अपना जीभ निकाल के कहा कि मैं कुछ खा नहीं सकता क्योंकि मेरे जीभ पर चीरा लग गया है। ये भगवान का मुख से निकला हुआ, जवान से निकला हुआ भागवत गीता है, इसको उसने छेड़ा, इसलिए उसने तुरंत सोच लिया कि मैंने गलती किया, हमारा पति बोल रहा था कि भागवत वाणी है, और भगवान वहां से अलक्षित हो गए, तुरंत चले गए। बहुत पश्चाताप किया। ब्राह्मण देवता जब आए तो बोले अरे ये सब किसका सामान है। तो बोले आप भूल गए, कल तो शाम को ऑर्डर दे करके आए थे, एक बालक सवेरे लेकर के आ गया, और वो बोल रहा है कि कल ऑर्डर दिए थे नहीं पहुंचा है। तो पंडित जी ने कहा कि अरे उनका कुछ स्वागत किया कि नहीं, वो समझ गया कि भगवान की कृपा है। तो बोले नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया, कुछ खिलाऊं पिलाऊं, लेकिन उन्होंने अपना जबान निकाल के दिखा दिया कि मेरे जबान में चीरा लग गया, इसलिए कुछ खा नहीं सकते हैं। ब्राह्मण समझ गया हमारी पत्नी ने जो गलती किया है, भागवत गीता के पेज पर जो चीरा लगाया है स्वयं भगवान की जबान पे लग गया है। इसलिए हमें भागवत गीता को साधारण बुक नहीं समझना चाहिए, जिसके पास है घर पे पढ़ना चाहिए, और नहीं है तो खरीद के ले जाना चाहिए, यहाँ 24 घंटा सेवा है, आप भक्त लोग रखते हैं काउंटर पे, भगवान की वाणी समझ करके पढ़िए। अगर बाकी बहुत सारे भागवतम ग्रंथ है उतना नहीं पढ़ सकते तो गीता तो जरूर पढ़िए, क्योंकि आपकी जितने कलमश हैं हृदय में वो सब निकल जाएंगे। हमारा हृदय कलमश से भरा हुआ है, किसी न किसी कलमश से हरदम आदमी जलता रहता है, नहीं तो अपने किसी आजू बाजू वाले से जलता है,
अपने बहू बेटे से जलता है, नहीं तो अपने पत्नी से ही जलता है, पत्नी पति से जलती है। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो जलन पैदा होता है। किसी प्रकार का तेजना जब शरीर में होती है, इच्छा प्रकट होती है, उसकी पूर्ति नहीं होने से जलन पैदा होती है। लेकिन जो भक्त होता है, हरि नाम लेता है, हरि प्रसाद खाता है, वो कलमश से दूर रहता है। भगवान उसके अंदर कलमश प्रवेश नहीं करने देते हैं, काम क्रोध उसके अंदर आता ही नहीं, क्योंकि रोज हरि कीर्तन द्वारा बाहर करता है। जिस प्रकार से आजकल लैपटॉप में या मोबाइल में वायरस घुस जाता है, लोग बोलते हैं कि ये वायरस घुस गया है इसलिए स्टक हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, उसी प्रकार से जो लोग कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका जो वायरस जो है बढ़ते बढ़ते स्टक हो जा रहा है। भक्त रोज कीर्तन द्वारा सारे वायरस को बाहर निकाल दे रहे हैं, अगर वो भी ना करें तो वायरस उनको भी घुसेगा। तो जो बाहरी चीजें हमारे अंदर घुसती हैं उसे हम भगवान के कीर्तन द्वारा निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये अपने अंदर पाल के मत रखिए, काम क्रोध मद लोभ जो जितना हमारे अंदर घुसा हुआ है और घर बना लिया है उसको बाहर निकालिए। निर्मल हो जाइए, अकिंचन बोलते हैं जिसको। धन दौलत भी रखे हैं तो उसका भी हमें बहुत गर्व है, अभिमान है। अभिमान जो है, अहंकार जो है, भगवान का हार है। भगवान कोई अन्न नहीं खाते हैं, भगवान का आहार अहंकार है। जब इंसान के अंदर अहंकार प्रवेश करता है उसी को भगवान खाते हैं। कभी कभी भगवान के भक्तों में भी अहंकार आ जाता है तो उसे भगवान खुद निकालते हैं, उनका अपमान दूसरे से नहीं करवाते हैं। एक बार भीम को ऐसा लगा कि उनके इतना ताकतवर कोई है ही नहीं है, तो भगवान ने सोचा कि अब भीम का अहंकार बहुत हो गया है, बजरंगबली को ले जाकर के रास्ते में बैठा दिए, बुढ़ा रूप बना करके बजरंगबली दाढ़ी ओढ़ी मोछ रख के बैठ गए, अपनी पूंछ रास्ते में फैला दिए। भीम वहां पहुंचे तो कहे, ओ वृद्ध बानर, यह पूंछ अपनी हटाओ। तो हनुमान जी कह रहे हैं, अरे भैया मैं वृद्ध हो गया हूं, क्यों परेशान कर रहे हो? हमने कहा, नहीं नहीं हटाओ इसको, मुझे बाधा दे रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, नहीं मैं बहुत कमजोर हूं, जरा विश्राम कर रहा हूं, विश्राम करने दीजिए। फिर भीम ने कहा कि नहीं नहीं हटाते हो कि नहीं हटाते हो? नहीं, उठा के फेंक देता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा उठा के रख दीजिए। भीम जब उठाने लगे तो पूंछ तो हट ही नहीं रही, जमीन ही छोड़ रही है। तब तो भीम बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे 10,000 हाथी का बल है हमारे पास, ये साधारण बानर का पूंछ हटाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। तब भीम ने कहा कि ये कोई विशेष शक्ति है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप अपना परिचय दे सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, अच्छा होगा पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो बोले, तो मैं विख्यात कुंती का पुत्र भीम हूं, आपने कभी नाम नहीं सुना है? सुना तो है, आप बड़े गदाधारी हैं,
तो बोले तो आप अपना परिचय बताइए। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। तो भीम उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले मुझे क्षमा करिए। कहे नहीं नहीं आप हम दोनों तो भाई भाई है, मैं भी पवन पुत्र है हूं और आप भी पवन पुत्र हो। तो अहंकार जो है वो बड़ा खराब चीज है, किसी प्रकार का धन का अहंकार हो जाए, बल का अहंकार हो जाए, अहंकार को अपने अंदर रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो कुछ आपको प्राप्त होता है भगवान की कृपा समझना चाहिए, धन हो बल हो, जो आता है उसको समझना चाहिए भगवान की कृपा से आया है, तब अपने आप वो स्वच्छ हो जाता है। जब इंसान समझता है कि हमारे कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, मैंने अपने पुरुषार्थ से लिया है, तब वो अहंकार हो जाता है, वो शुद्ध नहीं होता है। जब बहुत से इंसान ऐसे हैं नहीं जानते हुए भी कहते हैं भगवान की कृपा से मिला है। आप ऐसे किसी से बात करिए कि ये बहुत सारा धन आपके पास आ गया आजकल, इतनी जल्दी इतने बड़े आदमी कैसे हो गए, तो इतना जरूर बोल देते हैं कि ये सब भगवान की कृपा से है। लेकिन वो समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर भगवान की कृपा से आया तो भक्त कहता है कि थोड़ा डोनेशन दे दीजिए मंदिर में, तब कहते हैं तो बड़ी मेहनत से कमाया है, तब भगवत कृपा नहीं करते उसको। तो जो कुछ आता है हमारे जीवन में उसे भगवान की कृपा समझ के रखना चाहिए और अपने आए हुए धन का कुछ परसेंट भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। जब अपने पत्नी बच्चों के और परिवार की सेवा में लगाते हैं धन को, तो उस धन का शुद्धिकरण नहीं होता है। जो भी आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं लाके, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और सोचते हैं कि हमारा ही संतान है, मुझे याद कर रहा है। जब आप अपनी सेवा में सारा धन लगाते हैं तो जो परमात्मा आत्मा के साथ विराजमान है वो तो साक्षी है, देख रहा है ना। तो उस समय कष्ट होता है कि ये तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ ऑफर ही नहीं कर रहा, सब अपनी सेवा में लगा रहा है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने माता पिता को दुखी करके सुखी बनना चाहता है। अगर आपके माता पिता एक कोने में बैठे हैं, आप अच्छा अच्छा बना के खा रहे हैं और उनको नहीं पूछ रहे हैं, बेटे को खिला रहे हैं, पत्नी को खिला रहे हैं, अपना राउंड टेबल पे बैठे हैं, माता पिता एक कोने में बैठे हैं, तो क्या वो माता पिता आशीर्वाद दे सकते हैं। वो यही सोचें कि हमारे बहू बेटे इतने निकम्मे हो गए हैं कि हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे, स्वयं खा रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम जो चीज अपनी सेवा में लगाते हैं भगवान को अर्पित किए बिना, तो भगवान को लगता है कि मुझे तो पूछ ही नहीं रहा है, खुद ही अपनी सेवा करा ले रहा है। तो जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। भगवान उसमें से ले नहीं लेते हैं, उसको और दुगुना तिगुना चार गुना दस गुना कर देते हैं। भावग्राही जनार्दन है भगवान, कृष्ण को भावग्राही जनार्दन कहते हैं, आपके भाव को ग्रहण करते हैं, आपकी कोई मात्रा को कम नहीं करते हैं। जैसे आप प्रसाद चढ़ाते हो तो भगवान उसमें से एक रत्ती या एक पाव या एक आधा पाव
या कुछ खा ले तो कोई चढ़ाएगा ही नहीं, लेकिन उसको विश्वास है कि खाएंगे नहीं। लेकिन इस प्रकार का विश्वास भी खराब है। कहना चाहिए प्रभु खाओ, जो मैंने श्रद्धा से आपको अर्पित किया है उसे आप ग्रहण कीजिए, तब भगवान उसके भाव को ग्रहण करते हैं। राधा राज बिहारी भगवान की, गौर निताय भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, आप सभी भक्तों की।